हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले अकाउंट में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का वीडियो चला गया था। ये जो वीडियो अभी जा रहा है ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का आपका है। ये जो वीडियो आपका है किसका, एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर नंबर 5। आए सबसे रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है। ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनर से लगभग आपका जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है 5 नंबर का आता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर से जो ऑब्जेक्टिव आता है लगभग कितना नंबर का आता है, 5 मार्क्स का आपका आता है। इसलिए आप लोग वीडियो देखने के बाद अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास शेयर भी करना, ताकि उसको भी ऑब्जेक्टिव हाथ में आ जाए। और एक चीज़ और, वीडियो देख कर आप लोग इग्नोर मत करना, वीडियो देख कर आप लोग इसको कॉपी में नोट करो। क्यों बोलें कि अभी तो आप कॉपी में नोट कर लोगे, लेकिन जब एग्जाम होगा तब कहाँ से लिखोगे। इसीलिए वीडियो देखने के बाद कॉपी में नोट कर लो। चलिए आते हैं टॉपिक को, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा किससे, डेबिट से, तो क्या होगा, प्रॉफिट लॉस गेन एक्सपेंडिचर। इसका सही आंसर क्या होगा, गेन। अगला पॉइंट देखिएगा, व्हेन द न्यू पार्टनर्स पे फॉर गुडविल इन कैश द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द फर्म बुक टू। बोला कि जब न्यू पार्टनर गुडविल के लिए कुछ कैश में रुपया देता है तो किसको डेबिट करते हैं। ये तो सब जनरलिटी एक एक करके आपको बताए हैं, कॉपी में एक एक करके हम एंट्री लिखवाए होंगे, आप लोग ध्यान से देखते जाना। बोला है कि जब कोई पार्टनर गुडविल के लिए रुपया देता है तो किसको डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। याद करो, जब भी कोई पार्टनर गुडविल के लिए रुपया लाता है तो एंट्री याद है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, या कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। याद करना, किसको डेबिट कहते हैं, गुडविल को डेबिट होता है, सॉरी कैश को डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। समझ में आ गया, तो बताओ किसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट। अगला पॉइंट देखना, द बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट एसेट लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड एट, बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बोला कि जब न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद, मान लेते आप पहले से जानते हैं कि, मान लेते हैं कि पहले से दो पार्टनर है ए और बी, एक नया पार्टनर कौन आ गया, सी आ गया, तो पहले से जो पार्टनरशिप डीड है वो समाप्त हो जाएगा, उसके स्थान पर एक नया पार्टनरशिप डीड बनेगा। तो नया पार्टनरशिप डीड बनने के बाद जो बैलेंस शीट बनता है उसमें एसेट और लायबिलिटी किस वैल्यू पर दिखाया जाता है, यही आपसे पूछा है। ओरिजिनल वैल्यू, आपका री वैल्यू फिगर एट रियल, एट रियलाइबल वैल्यू आइदर ए और बी, बताए किस वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है, इसका बी होगा, केवल री वैल्यू फिगर पर। जब भी कोई पार्टनर एडमिशन होता है ना, तो सारा एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू किया जाता है। समझ में आया, तो हमेशा किस पर होगा, रीवैल्यू फिगर पर। अगला पॉइंट देखिए, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। बोला कि शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, जो न्यू पार्टनर गुडविल का रुपया लाता है उसको क्या कहा जाता है, एसेट, प्रॉफिट, प्रीमियम, नॉन ऑफ दी। ये तो सब समझ गया होगा, जो न्यू पार्टनर गुडविल का रुपया लाता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको किस नाम से जानते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। किस नाम से जाना जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। अगला पॉइंट देखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, बताओ ये कितना एकदम से इजी क्वेश्चन आया, ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है अनेकों बार। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एसेट अकाउंट, बताओ कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन जो अकाउंट आपका है कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज नोन एज, जब बोला कि फिक्स एसेट के वैल्यू में घटेगा तो क्या होगा, एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट, नॉन ऑफ दीज। जब भी फिक्स एसेट में घटेगा तो हमेशा लॉस होगा, जब भी फिक्स एसेट में घटेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। अगला पॉइंट देखिए, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बर्न बाई,
बोला कि जब एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू कहते हैं, उसमें प्रॉफिट और लॉस होता है, उसको कौन बर्न कहता है, कौन शेयर कहता है, मतलब कौन पार्टनर आपस में बांटता है। तो याद रखना, जब भी एडमिशन और पार्टनरशिप के केस में जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस हो, उसको ऑल ओल्ड पार्टनर बांटता है। केवल कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर, न्यू वाला कभी नहीं बांटता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा।